वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI मॉडल। ये एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मॉडल रहेगा इस लाइनअप में। अभी तक आपने सिर्फ टॉप मॉडल्स देखे होंगे, ZXI देख लिया होगा इससे ऊपर वाला मॉडल, बट VXI मॉडल मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ यहाँ पे आपके साथ वैल्यू फॉर मनी डील के साथ आपको दिखाएगा, यहाँ पे शो होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने वाले हैं। और यहाँ पे VXI के अंदर भी दो मॉडल्स आते हैं, VXI और VXI ऑप्शनल, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विफ्ट में CNG का लोगो आ चुका है, और CNG के लोगो के साथ दो चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो और जो हैं चेंज होते हुए दिखती हैं। पीछे से अगर मैं बात करूं तो लुक अभी भी वही सेम इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो एक मेजर कंसर्न था कि जो पेट्रोल के अंदर जहाँ पे फिलिंग कैप होती है और जो उसकी CNG कैप है वो यहाँ पे रहेगी या नहीं रहेगी, बट एट द लास्ट मारुति ने वही किया जो वो पिछली शिफ्ट में करते हुए आ रहे थे। उन्होंने यहाँ पे इसके बम्पर में ही दोबारा से सेंटर कैप इसके अंदर डाल दी और कुछ यहाँ पे लॉक सिस्टम दे दिया। यहाँ पे मैं बात करूँ फ्यूल कैप, जो CNG कैप है बेसिकली, उसके ऊपर, और 55 लीटर की कैपेसिटी वाला यहाँ पे टैंक आपको मिल जाता है। अब होता क्या है कि अभी आपने जितने भी टॉप मॉडल्स देखे होंगे उनमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आ रहा है, तो उसके साथ आपको एक की कैरी अलग से करनी पड़ेगी। उन्होंने एक जो चाबी है वो एक्स्ट्रा आपको दी है, बट यहाँ पे आपको यही रिमोट कीज देखने को मिलती हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा की कैरी नहीं करनी। सिंपल आप जब ड्राइवर सीट से निकलेंगे और इसी की को यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो पूरा कैप है ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये कैप बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता था। पिछले वाली शिफ्ट के अंदर ही 5,000 पे समथिंग ये कैप जो है इसकी कॉस्टिंग थी, तो उसको देखते हुए मारुति ने एक बार इस बार इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम दे दिया, जो एक मेजर अपग्रेड तो मैं कहूँगा मारुति की तरफ से है। बट इन टर्म्स ऑफ मैं बात करूं, एक जब आप नई शिफ्ट लॉन्च कर रहे थे, एक नई जनरेशन थी, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म नया था, तो एक R&D करते हुए इसके यहाँ पे ही जो है नोजल दे देनी चाहिए थी अंदर की साइड। और मैं अंदर की साइड एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि भाई जो कैप है वो अंदर फिट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो कैप अंदर फिट नहीं हो सकती, इतनी स्पेस इसके अंदर थी कि यहाँ पे एक ईजीली यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा जगह बनाते हुए यहाँ तक में भी एक कैप, एक जो नोजल है छोटी सी, वो लग सकती थी। बट बात करते हैं मारुति की, तो भाई उन्होंने यहाँ पे नहीं दी, और मुझे लगता है ये वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि अभी तक जो स्विफ्ट ओनर्स थे वो चाहते थे कि CNG अगर आ रही है तो बिल्कुल ऐसी आए जैसे नेक्सा की गाड़ियों में ज़्यादातर आती है, या फिर मैं बात करूँ ब्रिजा के अंदर जैसे CNG आती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक बूट्स पे बूट को खोलने के लिए एक्सेस लीवर, और साथ ही साथ आपको मिलता है कुछ ऐसा टैंक जो कि 55 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, जैसे कि आपको मैंने बताया, और इसके अंदर 7-8 किलो की भाई गैस आएगी इजीली। बट हाँ, यहाँ पे सिलेंडर काफ़ी छोटा लग रहा है। एक तो 265 लीटर के अराउंड इसकी बूट स्पेस है, बूट स्पेस वैसे ही बहुत ज़्यादा कम थी, तो यहाँ पे 60 लीटर का टैंक नहीं आ सकता था। 55 लीटर का टैंक यहाँ पे रखा मारुति ने इसके अंदर, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर आपको नोजल्स देखने को मिलती हैं कंपनी की तरफ से। और एक मेजर चीज़ आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि यार स्टेपनी टायर कहाँ है, यही चीज़ मैंने भी सबसे पहले नोटिस करी जब मैंने अभी गाड़ी देखी। तो जब गाड़ी को देखने के बाद वो मुझे पता चला कि यहाँ पे इन्होंने जगह तो दे रखी है बट टायर मिसिंग है, और ये वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है जो मारुति ने करी है बूट स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। उनका कहना ये है कि हमने टायर इसलिए हटाया है ताकि आपकी जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सको। अरे दिमाग तो लगाते यार, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को बूट स्पेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेपनी व्हील है, क्योंकि एक टायर अगर पंचर हो जाए तो मैं कहाँ लेके घूमूंगा। इसका सोल्यूशन दिया है, अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई पहले देख तो ले, पता तो कर ले, तू ऐसे बोल रहा है। भाई ये देखो, ये टायर मोबिलिटी किट जो है ना, जो टाटा की गाड़ियों में आती है बेसिकली, वो यहाँ पे दे दी गई है मारुति की तरफ से भी, पहली बार है। मुझे ये देखते सारी लग गया था कि इसके अंदर भाई अब जो स्टेपनी व्हील है वो उड़ा दिया गया है, क्योंकि कोई भी गाड़ी, ये सारी गाड़ियाँ प्लांट से आती हैं शोरूम पे डिस्प्ले के लिए, तो इवेंचुअली बिना टायर के क्यों ही भेजेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टायर मोबिलिटी किट, पंचर रिपेयर किट जिसे हम कह सकते हैं, वो दे दी गई है मारुति की तरफ से, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट मूव फ्रॉम मारुति सुजुकी है ये, एक स्टेपनी व्हील को हटाना। अब बहुत से लोग कहेंगे यार हाँ चलो छोड़ो ना, हटा भी दिया तो हम इसके अंदर खुद से अफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप सेम टायर जो इसके अंदर कंपनी से आपको दे रखा है, वो सेम टायर या फिर एक उससे छोटा साइज में टायर आप इसके अंदर रखवा सकते हो। जगह इन्होंने दे रखी है, फ्रेम इन्होंने दे रखा है, ये चीज़ अच्छी है कि आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसके अंदर वो टायर लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं वो आपकी पर्सनल कंसिडरेशन है। बट हाँ, आपके 4-5-6 हज़ार रुपये का जो एक और मैं कहूँगा
खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब टायर CNG वाले मॉडल्स में आपको खुद लगाना पड़ेगा, पेट्रोल मॉडल्स में ये दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। VXI मॉडल है और यहाँ पे आपको इसके अंदर प्रॉपर DRL देखने को मिल जाती है, पीछे की साइड जो यहाँ पे आपका टेल लैम्प्स है, पार्शियल ट्रे आपको देखने को मिलती है। ये इसका ऑप्शनल मॉडल है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे जो कलर ऑप्शन हैं वो देखने को मिलते हैं। एक स्पोर्टी टेक्सचर मिलता है गाड़ी के अंदर। और एक बार इसकी जो मीटर लाइट है उसको करते हैं हम बंद, पार्किंग लाइट को, शोर मचा रही है गाड़ी। बात करता हूँ इसके यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इंजन खोलने से पहले मैं फ्रंट फेशिया को एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई फ्रंट से लुक कुछ ऐसा मिलता है VXI मॉडल में आपको, और बहुत सी आपको चीज़ें यहाँ पे मिसिंग होती हुई दिखेंगी, बट वो आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। बेसिकली CNG आज के टाइम पे भाई सिर्फ और सिर्फ बचत करने वाली गाड़ियाँ नहीं रह गई हैं, यहाँ पे आपको फीचर्स भी देखने को मिलते हैं उनके अंदर, और साथ ही साथ आज के टाइम पे आपको एक प्रैक्टिकलिटी सेंस में बहुत अच्छी यूटिलिटी वाइज गाड़ी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे चलते हैं इसके इंजन के अंदर, और इंजन की बात अगर मैं करूं तो भाई इसके इंजन से भी वन सेकंड यार, कभी कभी ना ये खुलते नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई इंजन से भी रिलेटेड एक बहुत बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है गाड़ी के अंदर। Z सीरीज़ का ये नया इंजन इसके अंदर डाला गया है मारुति की तरफ से, और यहाँ पे आपको इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जहाँ पे पिछली जनरेशन के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता था। बट यहाँ पे आपको जो इंजन है उस वो कम देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर्स की बात करूँ और रिफाइनमेंट की भी बात करूँ, क्योंकि अब उतनी रिफाइनमेंट यहाँ पे महसूस आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, माइलेज के मामले में ये ज़रूर से बढ़ गया है। 68 bhp और 101 nm के टॉर्क के साथ ये CNG की स्पेसिफिकेशन से मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की स्पेसिफिकेशंस की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्रॉपर जो CNG रिड्यूसर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर इसका ECU जो इसका ब्रेन है CNG का वो भी आपको यहाँ पे लगा हुआ दिख जाएगा। ऑल अराउंड मैं बात करूँ, गाड़ी का इंजन बहुत ही ज़्यादा उनके हिसाब से अच्छा है, बट एज अ कस्टमर अगर मैं सोचूँ तो यार 4 सिलेंडर ज़्यादा बेटर था, बट वही है जो चीज़ें करी हैं मारुति ने वो करी हैं। बाकी ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो आपको इंसुलेशंस देखने को मिल जाती हैं गाड़ी के अंदर, वैसे मारुति की गाड़ियों के अंदर खास ज़रूरत होती नहीं थी, बट अब इस 3 सिलेंडर है तो उन्होंने फिर भी यहाँ पे इसके अंदर दे दिया ये चीज़ कि चलो अगर ज़रूरत पड़े फ्यूचर में थोड़े टाइम में गाड़ी के अंदर तो वो आपको यहाँ पे बेयर इनफ हो। हेडलैम्प्स आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करूँ टायर की, तो टायर आपको मिलता है इसके अंदर 165/80R14 का, तो 14 इंच का एक टायर आपको स्टेपनी के अंदर डलवाना पड़ेगा। जो ZXI लेगा उसको 15 इंच का मिलेगा, तो वो अलॉय व्हील वाला टायर मिलता है, तो आपको वो भी आफ्टर मार्केट कहीं से थोड़ा बहुत चला हुआ टायर अगर आप सेफ साइड के लिए गाड़ी के अंदर रखवा लेते हैं तो मैं कहूँगा ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि विदाउट टायर बेवकूफ़ी है रोड पे चलना, क्योंकि जैक दे रखा है मारुति ने। ऐसा नहीं है कि भाई टायर हटा दिया हो तो जैक हटा दिया हो, अगर आप नोटिस करेंगे एक बार दोबारा से मैं हल्का सा आपको दिखाऊंगा, टाइम नहीं लूंगा ज़्यादा, बट अगर यहाँ पे हम देखें तो जैक और पाने सब कुछ दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई टायर हटाया है तो जैक और पाने भी हटा दिए हो, इतनी कॉस्ट कटिंग नहीं करी, क्योंकि उन्होंने जगह छोड़ी है तो वो उन्हें पता है कि भाई कस्टमर जो है वो बाहर से भी इसके अंदर टायर रखवा सकता है 5-6 हज़ार रुपये का। तो बात करते हैं इसके इंटीरियर की, भाई ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पे डोर पैड की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक पावर विंडो देखने को मिल जाती है चारों की चारों, और ORVM की कंट्रोलिंग यूनिट मिलती है। बेसिकली आप फोल्ड नहीं कर सकते इन्हें, बट अनफोल्ड और फोल्ड के लिए आपको इसके अंदर रिले लगवानी पड़ेगी बाहर से, बट अगर मैं बात करूँ कंपनी के थ्रू तो आपको सिर्फ इसके अंदर एडजस्टमेंट का फीचर देखने को मिलता है, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। बारिशों के टाइम पर आप शीशा खोल के बार बार एडजस्ट नहीं कर सकते, फैब्रिक फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। नीचे की साइड बात करूँ तो आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पर आपको जाता है वो CNG का चेंजिंग स्विच जो आपको सबसे ज्यादा नीडफुल है इस गाड़ी के अंदर। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग मिल जाती है, बूट खोलने का और फ्यूल लिड खोलने का जो है आपको लीवर नीचे की साइड देखने को मिलता है। सीट को करते हैं पूरा पीछे, स्टेयरिंग व्हील पे अगर मैं नजर डालूं तो यहाँ पे आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से माउंटिंग कंट्रोल्स के साथ, और एक अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है जो लेटेस्ट इसके अंदर सॉफ्टवेयर के साथ आती है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको कुछ ऐसा इसके अंदर है जो इंटीरियर कुछ लाइट अप होने के बाद फील होगा, और अगर मैं इसकी एक बार पार्किंग लाइट भी जलाऊं तो कुछ आपको ऐसा यहाँ पे लुक निकल के आता है जब आप स्विफ्ट 2024 का इंटीरियर नोट डाउन करते हैं कि कैसा वो एक स्पोर्टी टेक्सचर दे पा रही है या नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्क्रीन साइज देखने को मिलता है जो कि आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ इनके देखने को मिलता है। इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेसली आपको देखने को मिलेगा, और यही चीज़ जो है इसके अंदर ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी स्क्रीन तो सेम ही है, इंटरफेस
वॉइस इन्होंने थोड़ा सा चेंज करते हुए यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजीज इसके अंदर दे दी हैं, और जो वॉइस कमांड फीचर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करूँ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, मैक्स एसी करके आपको एक फीचर देखने को इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप नोटिस करें, ये कुछ नहीं करता, जो फैन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचा देता है और जो टेम्परेचर है वो कम कर देता है ताकि कूलिंग जल्दी हो पाए। डैशबोर्ड का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आया है गाड़ी के अंदर, और कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें, अगर आपने फ्रॉन्क्स देखी होगी तो आपको ये वाला जो पार्ट है एसी वाले पार्ट, ये आपको फ्रॉन्क्स ही याद दिलाएगा। तो भाई मारुति है तो पार्ट शेयरिंग तो होगी होगी। ग्लव बॉक्स भी आपको डिसेंट इनफ देखने को मिल जाता है इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको सेंटर में MID स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसके अंदर सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी आ रहे हैं पीछे वाली सीट के, और CNG पेट्रोल का आपको प्रॉपर जो इसके अंदर है फ्यूलिंग मैं बात करूँ वो देखने को मिल जाती है। 220 की टॉप स्पीड की मार्किंग देखने को मिलती है। बाकी अलर्ट्स वार्निंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट भी मिलता है, ऊपर नीचे की एडजस्टमेंट के साथ स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। डी कट है, अच्छा है, सुंदर है। नीचे की साइड बात करूँ तो एक USB सॉकेट मिलता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है आपको, और दो कप होल्डर चार्जिंग आपको चार्जिंग का मैंने बताया है, और यहाँ पे एक फ्लैट स्पेस मिलती है फोन रखने की। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, कुछ रखने की और चीज़ों की स्पेस, पीछे कप होल्डर। AC वेंट्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस वाले मॉडल में। बाकी ऊपर बात करूँ तो आपको हेलोजन में लैंप देखने को मिलेगा सेंटर में ही, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिरर के साथ आपको सनवाइजर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे टिकट होल्डर देखने को मिलता है। ऑल अराउंड भाई गाड़ी मस्त है, कंफर्टेबल है सीटिंग इसकी, और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नीची है सीट, तो उसकी वजह से क्या है कि आपको ऊपर स्पेस अच्छा देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। ऑल अराउंड भाई मेरे को पसंद आई गाड़ी, बट द थिंग इज कि यार इन्होंने ये जो CNG का घपला किया ना दोबारा से कस्टमर्स के साथ, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हाईलाइट कर देती है कि आपकी गाड़ी CNG वाली है, और वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं एज अ कस्टमर अगर मैं सोचूं तो। यहाँ पे अगर मैं बात करते हैं कि पीछे अगर हेडरेस्ट की, तो भाई एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, फ्लैट बेंच सीट है, सीटिंग कंफर्ट ही है भाई। यहाँ पे शिफ्ट के अंदर आपको जो सीट कंफर्ट है वो अच्छा ही देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको पावर विंडो मिल जाती है, फैब्रिक नहीं मिलता, हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। ऑल अराउंड भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। स्क्रीन पे इसके आपको प्राइसिंग भी शो हो रहे होंगे, ऑलरेडी मैंने बताया था 8,19,000 रुपये से आपको इसके प्राइसिंग्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ऑल अराउंड में बात करूँ ना, तो साइड लुक से अगर हम देखें एक बार यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे लुक्स निकल के आ रहे हैं गाड़ी के, और लुक्स और डायनेमिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, बट अब CNG वाले कस्टमर्स के लिए थोड़ा खर्चा बढ़ चुका है, और ये मूव मुझे समझ नहीं आया मारुति की तरफ से। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा, टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।